हाय एवरीबॉडी, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा ट्रेंडी स्कर्ट बताने वाली हूँ जो कि मैंने एक पुराने मैक्सी ड्रेस से बनाया है। ये मैक्सी ड्रेस मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो आपने वीडियो देखा होगा, तो आप ये देख सकते हैं। ये हमारा मैक्सी ड्रेस है। इस तरह के मैक्सी ड्रेसेस अगर वेकेशन पे जा रहे हो तो बहुत कूल लगते हैं, तो मैंने सोचा कि मैंने इसको कई बार यूज़ कर लिया, अब इसकी हम एक प्यारी सी स्कर्ट बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैक्सी ड्रेस है जिसका बॉडीज और लोअर पार्ट अलग अलग करेंगे। जहाँ से चुन्नटे या प्लेट होंगी आपके मैक्सी ड्रेस से, वहाँ से इसको अलग अलग कर देंगे, कट नहीं करेंगे। ध्यान रहे, सिलाई को हम उधेड़ेंगे, खोल के निकालेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, बॉडीज पार्ट और जो बॉटम पार्ट था अलग हो गया है, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब हम खोलें तो इसकी चुन्नटें या प्लेट्स खुले नहीं। अगर थोड़ी बहुत खुलती है तो हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, पर खुले नहीं। और खुल भी गई हैं तो आप बड़े टाँके की सिलाई चला के गैदरिंग फिर से बना सकते हैं, या अगर प्लेट्स हैं तो प्लेट्स को फिर से आराम से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम खोल लेंगे अपने बॉडीज पार्ट को और बॉटम पार्ट को। अब आगे का हम काम करेंगे, तो कैसे करना वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मेजरमेंट बता देती हूँ। जो स्कर्ट में या प्लाजो में वेस्ट होती है उसको हिप राउंड मेजर करते हैं, हिप राउंड। तो वेस्ट यहाँ पे मतलब हिप राउंड 40 है, 6 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि स्कर्ट है, तो 46 इंच होगा क्योंकि स्कर्ट थोड़ी फ्लोई रहे तो अच्छा है। 46 को हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि स्कर्ट में फ्रंट और बैक दो पल्ले होते हैं, तो जो आएगा 23 इंच, मतलब एक पल्ला 23 इंच का आफ्टर गैदरिंग या प्लीट 23 इंच का होना चाहिए। तो हम अपने इसको जो बॉटम पार्ट है उसको चेक कर लेते हैं कितना है। तो आप ये देख सकते हैं, मेरा लगभग 23 के अराउंड है। अगर कम ज़्यादा है तो आप इन गैदरिंग या प्लेट्स को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अगर छोटा है तो थोड़ा दूर दूर कर लीजिएगा, और ज़्यादा बड़ा है तो गैदरिंग को पास पास कर लीजिएगा। उसके बाद अब इसमें सिंपल हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए आप चाहें तो इस बॉडीज पार्ट से फैब्रिक निकाल के जोड़ लगा के बना सकते हैं, पर मेरे पास ये जो ब्लू फैब्रिक है ये एक्स्ट्रा काफ़ी बचा हुआ, तो इसी में से मैं अपना बेल्ट निकालूंगी और इसमें अटैच करूंगी। तो आप ये देख सकते हैं, बेल्ट मैंने कट कर लिया है, दो हैं, और देख लेते हैं कितना है ये। तो लगभग आप देख सकते हैं 24 इंच का है, और दोनों 24 20, और जब साइड से दोनों तरफ हम इनको जोड़ेंगे तो लगभग 23 इंच का आ जाएगा, जो कि हमारा स्कर्ट का है। और ये देख सकते हैं इस तरीके से लगभग 5 इंच का है, सूइंग में काफ़ी जाएगा, तो लगभग मिला के ये 2 इंच का, जब डबल फोल्ड होगा, जब बेल्ट बनेगा इस तरीके से, तो लगभग 2 सवा 2 इंच का हमारा बेल्ट बनेगा। अब सबसे पहले साइड से हम इसको जोड़ के देख सकते हैं, एक साथ हमने एक सर्कल बना लिया जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट था। अब इसको सिंपली हम क्या करेंगे, जो नीचे बॉटम वाला पार्ट है इसमें अटैच करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, मेरा स्कर्ट कलर ब्लॉकिंग का है। आपका कोई भी मैक्सी ड्रेस हो उसके साथ ये स्कर्ट बना सकते हो। तो आप ये देख सकते हैं, पिन की हेल्प से मैंने ये चारों तरफ सर्कल वाइज ऐड कर लिया। अब इस पे हम एक पक्की सिलाई चलाएंगे जिससे ये अच्छे से इनके साथ अटैच हो जाएगा, फिर हम बेल्ट और इलास्टिक वाला काम करेंगे। बहुत आसान है, जैसा कि आपने पता होगा कि मैं कैसे इलास्टिक लगाती हूँ, सेम वे में इसी तरीके से देखिए हमने अटैच कर लिया है इसको। अब यहाँ सेंटर से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, सेंटर में थोड़ी सी खुली जगह छोड़ेंगे और किनारे किनारे पिंस लगा के फिर पक्की सिलाई करेंगे। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, ये मेरा कलर ब्लॉकिंग का मैक्सी ड्रेस था मैंने यूज़ किया। आप कोई भी मैक्सी ड्रेस अपनी पुरानी लेकर के उससे ये स्कर्ट बना सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, हमने यहाँ सेंटर पे जगह छोड़ दिया है, पिंस लगा लिया। अब इस पे भी हम किनारे किनारे पक्की सिलाई चला लेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने पक्की सिलाई चला ली है। अब यहाँ से हम इलास्टिक को डालेंगे। कुछ कुछ पार्ट मैंने स्किप किए हैं क्योंकि वो फिर बड़ा हो जाता वीडियो। तो आप ये देख सकते हैं, इलास्टिक लेंगे, 46 इंच का वेस्ट है, तो लगभग 32 34 इंच, 34 इंच का, मतलब 10 12 इंच कम रख के इलास्टिक लेंगे तो आपका कंफर्टेबल हो जाएगा। अब जैसे डोरी डालते हैं उसी तरीके से हम इलास्टिक डाल के निकाल लेंगे, और यहाँ से इलास्टिक को सिल के अच्छे से अंदर कर देंगे, और जो खुला पार्ट है उसको बंद कर देंगे, सेंटर में एक सिलाई चला देंगे और हमारा इलास्टिक तैयार हो जाएगा। और नीचे हेम पूरा बना हुआ रेडी ड्रेस में तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लेंथ कम करनी है तब कट करिएगा, और डबल फोल्ड करके आप ये कर लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं, इलास्टिक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये हमारा स्कर्ट बहुत आसानी से बन चुका है। मैंने इसकी लेंथ कम कर दी है क्योंकि मुझे वेकेशन के लिए कहीं घूमने जाने के लिए चाहिए,
तो मैंने इसकी लेंथ कम कर दी है। वैसे अगर आप लेंथ ना कम करो तो ये फुल लेंथ की बहुत ही अच्छे से स्कर्ट बनती है, और अगर आप कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, सिंपली डबल फोल्ड करके हेम को बना लीजिएगा। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही आसानी से एक बहुत ही कूल सा स्कर्ट तैयार हो गया। आई होप आप भी ट्राई करोगे।